हे फूडीज, मैं हूँ पल्लवी। पल्लवी कुकिंग रेसिपीज में आपका स्वागत है। मैं पल्लवी आज आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम देखने वाले हैं रेनबो यूनिकॉर्न केक। अंदर से आपको रेनबो दिखेगा और बाहर से यूनिकॉर्न की डिज़ाइन है और उसके ऊपर हमने टॉपिंग बनाई हुई है रेनबो की। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये। सेमी फोंडेंट केक है, फुल फोंडेंट केक नहीं है। तो आइए हम रेसिपी देखते हैं। मैं केक की ऑर्डर्स भी लेती हूँ। अगर आपको एक केक ऑर्डर में चाहिए तो ये है 700 रुपये किलो। 1 kg, 1 kg के हिसाब से आपको 700 रुपये पड़ेगा, क्योंकि ये फोंडेंट केक है। फोंडेंट केक थोड़ा से उसको जो सामान लगता है वो थोड़ा कॉस्टली रहता है, इसलिए फोंडेंट केक की जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। अभी सबसे पहले हमें करना ये हमने फोंडेंट ले लिया है, नीचे तो प्लेटफॉर्म क्लीन कर लिया है। प्लेटफॉर्म क्लीन करके उसके ऊपर हमने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डस्ट कर दिया है। अगर आपके पास सिलिकॉन की मैट आती है, अगर वो है तो वो भी आप ले सकते हो। और मैंने जो फोंडेंट है उसे बेल कर यूनिकॉर्न का जो है, यूनिकॉर्न की मैंने प्रिंट आउट निकाल के लाई थी और उससे ना वो उसी शेप और साइज़ में मैंने यूनिकॉर्न कट कर लिया है। और ये मैंने फोंडेंट ले लिया है, फोंडेंट के छोटे छोटे टुकड़े करके इस जो रेनबो कलर्स रहते हैं, रेनबो कलर्स मैंने पूरे में फोंडेंट के अंदर मिक्स कर दिए हैं। जिस तरह से मैंने स्क्रीन पे दिखाया है और स्क्रीन पे दिखाया है बस उसी तरह से हमने वो जो फोंडेंट है उसे रोल आउट करके उसका जो रेनबो है, रेनबो मैंने बना लिया है, आप देख रहे हो स्क्रीन पर। ये जो है मैंने थोड़ा सा चॉकलेट मेल्ट कर दिया है, क्योंकि हमें यूनिकॉर्न जो रेनबो है वो हमें टॉपिंग पे लगाना है, तो हमने उसके अंदर स्टिक इंसर्ट करके चॉकलेट डार्क स्टिक इंसर्ट कर ली है और हमारा रेनबो बनकर तैयार हो चुका है। और ये जो केक है इसकी प्लेन आइसिंग कैसे करनी है, उसके बाद ये रेनबो केक किस तरह से बेक करना है, ये सब मैंने आपको इससे पहले दिखाया है। और मैंने जो लाइव ली थी उसमें भी मैंने आपको दिखाया था रेनबो केक बेक किया हुआ। उसके बाद जो हमने इसकी आइसिंग की थी, शुगर सिरप किस तरह से अप्लाई करना है, आइसिंग किस तरह से करनी है, ये भी मैंने आपको दिखाया था। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे केक के डिज़ाइंस है उसमें दिखाया है और बहुत सारे रेनबो केक बेक किया हुआ है, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दे दी है, आई बटन पे भी मैंने उसकी लिंक दे दी है। और ये देख रहे हो आप, मैंने जो रेनबो बनाया था, यूनिकॉर्न बनाया था जो, और ये हमने क्लाउड्स बना लिए हैं और फोंडेंट के, ये सब मैंने टॉपिंग पर अप्लाई कर दिया है। और ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा रेनबो यूनिकॉर्न केक बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। वीडियो को लाइक करके कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगा। मिलेंगे और नई रेसिपीज के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खास करके खाते रहिएगा। फिर मिलेंगे और नई रेसिपीज के साथ, तब तक लिए बाय। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past